नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नकदी की स्थिति बेहतर करने के लिए लागत के आधार पर मकान बेचे हाउसिंग कंपनियों से गडकरी। कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रियल एस्टेट कंपनियों से कहा है कि वह नकदी की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मकानों के स्टॉक को उनकी लागत के आधार पर ही बेचने का प्रयास करें। गडकरी ने कहा, लालची मत बनिए, आपको प्रीमियम की कीमत नहीं मिलने वाली। आपको जो भी कीमत मिल रही है उसमें घरों को बेचिए। पालघर हिंसा में मारे गए ड्राइवर के परिवार की मदद करेंगी रवीना टंडन। अभिनेत्री रवीना टंडन पालघर हिंसा में मारे गए ड्राइवर नीलेश तेलगड़े के परिवार की सहायता करेंगी। बीजेपी नेता कृष्णा हेडगे ने ट्वीट किया, सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी दोस्त रवीना टंडन ने नीलेश की दोनों बेटियों की शिक्षा में मदद का आश्वासन दिया है और वह अपने रुद्र फाउंडेशन के जरिए आर्थिक मदद भी करेगी। रामदेव को डिफॉल्टर बताने वाला पोस्टर ट्वीट करने के लिए प्रशांत भूषण ने माफी मांगी। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है, बाबा रामदेव से माफी मांगता हूँ। मैंने पहले एक पोस्टर ट्वीट किया था जिसमें उन्हें डिफॉल्टर बताया था। उन्होंने लिखा वह पोस्टर एक पोर्टल की स्टोरी पर आधारित था जिसमें रुचि सोया को डिफॉल्टर और उनसे जुड़ा बताया गया था। हालांकि बाद में पता चला कि वह रामदेव इसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।